सारेगामा कारवा मिनी भक्ति। जय श्री कृष्ण। भगवद गीता के अध्याय 10 में मैं शैलेंद्र भारती आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस अध्याय का विषय या शीर्षक है विभूति योग। जैसे जैसे गीता के अध्याय बढ़ रहे हैं, हमें श्री कृष्ण का तत्व समझ में आ रहा है। किसी भी काम का अगर आपने तत्व नहीं समझा तो वो काम न करने के बराबर है, और अगर उसका तत्व समझ लिया जाए तो उस काम को आपसे अच्छा और कोई नहीं कर पाएगा। जितना जितना ये समझ में आता जाएगा, उतना उतना आपका सोचने का नजरिया भी बदलता जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं अध्याय 10, विभूति योग। श्री भगवानुवाच। भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेहं प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। कृष्ण अर्जुन से अपने परम रहस्य और प्रभाव युक्त वचन को दोबारा सुनने को कहते हैं। कृष्ण अर्जुन से अत्यंत प्रेम रखते हैं, और ये रहस्य और प्रभाव युक्त वचन वो उसके हित के लिए ही कह रहे हैं। लेकिन दोबारा क्यों? दोस्तों, परीक्षा से पहले अभ्यास के समय हर बात एक बार में समझ आ जाए ये जरूरी नहीं। बार बार एक ही बात को सुनकर उसे समझना पड़ता है। और फिर ये तो श्री कृष्ण के वचन है, जिनसे बड़ा ज्ञान कोई है ही नहीं, तो इन बातों को तो दोबारा सुनना ही पड़ेगा। जब आप कृष्ण की शरण में आ जाते हैं तो फिर आप उनकी जिम्मेदारी हो जाते हैं। जब तक अर्जुन को समझ नहीं आया तब तक प्रभु ज्ञान देते रहेंगे। न मे विदुः सुरगणः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षिणां च सर्वशः। कृष्ण के पैदा होने को न देवता लोग जानते हैं और न महर्षि जन, और इसके पीछे वजह है, कृष्ण सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों के भी आदि कारण है। कृष्ण का कहना है कि जन्म कर्म च मे दिव्यम्, अर्थात कृष्ण का जन्म और कर्म अलौकिक है, हमारी इन साधारण आंखों से नहीं देखा जा सकता। यही वजह है कि देवता और महर्षि भी कृष्ण की उत्पत्ति को, कृष्ण के प्रकट होने को, कृष्ण के देव भाव को, उनके परम तत्व को समझ नहीं सकते। कृष्ण तो उनके भी आदि कारण है। यो माम जमनादिं च वेत्ति लोक महेश्वरं असम्मूढः समर्त्येषु सर्व पापैः प्रमुच्यते। कृष्ण अजन्मा है, यानी कि जन्म से रहित अनादि हैं। अनादि उसको कहते हैं जो आदि रहित हो एवं सबका कारण हो, और जो ये बात जानता है कि कृष्ण ही लोकों का महान ईश्वर तत्व है, वह मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है और पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता। कृष्ण यहां पर कुछ अपनी ही बताई बातों को दोहरा रहे हैं, दोबारा बता रहे हैं ताकि समझने में कोई चूक ना हो। वो चाहते हैं कि हर कोई उनके ईश्वर तत्व को समझे, ये जाने कि आखिर कैसे पूरे संसार में जीव और निर्जीव में श्री कृष्ण की ही छवि है। बुद्धिर्ज्ञानम सम्मोह क्षमा सत्यम दमः शमः
सुखं दुःखं भवो भावो भयं च भयमेव च अहिंसा समता तुष्टिस्तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधः। जीवन में हर स्थिति अपने साथ एक नया ही भाव लेके आती है। जैसी सिचुएशन होती है ना दोस्तों, उसी तरह की फीलिंग हमारे अंदर आती है। इन सब भावों के बारे में बताते हुए कृष्ण कहते हैं, निश्चय करने की शक्ति, यथार्थ ज्ञान, असम्मूढ़ता, क्षमा, सत्य, इंद्रियों का वश में करना, मन का निग्रह तथा सुख दुख, उत्पत्ति प्रलय और भय अभय तथा अहिंसा, समता, संतोष, तप, इंद्रियादि को तपा कर जब शुद्ध किया जाता है तो उसे ही तप कहते हैं। दान, कीर्ति और अपकीर्ति, ऐसे ये प्राणियों के जितने भी भाव हैं ये मुझसे ही होते हैं। यानी हमारे हर भाव के कारण कृष्ण ही हैं। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः। हम सब के होने से पहले दुनिया में कुछ और था, उसी को बताते हुए कृष्ण कहते हैं, वो थे सात महर्षि जन। इन सात महर्षि जन से भी पहले थे चार सनकादि अर्थात मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। स्वयंभूव आदि 14 मनु, ये सब के सब कृष्ण के संकल्प से ही उत्पन्न हुए। कृष्ण की ही प्रेरणा से ये सब पैदा हुआ। इन्हीं सब की संसार में हम सब संपूर्ण प्रजा हैं। हमारे आने से पहले ये सब थे और इनकी होने की वजह थे कृष्ण। जब कुछ भी नहीं था तब कृष्ण थे, जब कुछ नहीं रहेगा तब दोबारा सब कुछ की उत्पत्ति के लिए भी कृष्ण ही होंगे। दोस्तों, एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। क्यों है ये दुनिया, कैसे बनी ये दुनिया, ये सबसे स्वाभाविक सवाल हैं जो सोचने वाले के मन में आते ही हैं। इसी के लिए कृष्ण कहते हैं कि जो पुरुष उनके इस परम ईश्वरीय रूप विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है वो सबसे बड़ा ज्ञानी है। लेकिन ये योग शक्ति तत्व आखिर है क्या? जो कुछ है वो सिर्फ दृश्य मात्र संसार है, सब भगवान की माया है। और एक कृष्ण ही सर्वत्र परिपूर्ण है, जो हर किसी में है। बस ये जानना ही तत्व को जानना है दोस्तों। जो पुरुष इस तत्व को समझ जाता है वो निश्चल भक्ति योग से युक्त हो जाता है। अहम् सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। इस जगत में जो हम देखते हैं, जो सुनते हैं, जो ग्रहण करते हैं, उससे हमारे मन में कुछ भाव पैदा होते हैं। लेकिन कहां से आते हैं ये भाव, कभी सोचा है ये आपने? कुछ पाने का, कुछ छोड़ने का मन करता है। इसी के लिए कृष्ण कहते हैं, मैं ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूं और मुझसे ही सब जगत चेष्टा करता है। हम जो भी कोशिश करते हैं, हमारे सारे भाव, हमारी हर चेष्टा के पीछे कृष्ण है। तो दोस्तों, जरा सोचिए, जब आप श्रद्धा और भक्ति से बुद्धिमान बनकर उस परमेश्वर को निरंतर भजेंगे
तो कैसे भाव आएंगे आपके मन में? जब आप अच्छे कर्म करेंगे तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपके मन में बुरे भाव आएं। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मद्गत प्राणा अर्थात उस ईश्वर के लिए जिसने अपना जीवन अर्पण कर दिया है, कृष्ण में मन लगाने वाले और उन्हीं में अपने प्राणों को अर्पण करने वाले आपस में जब कृष्ण या परमेश्वर के बारे में चर्चा करते हैं तो उसका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। इसीलिए सत्संग या हर सुबह और शाम की आरती को बहुत महान बताया गया है। जब सच्चे मन से कृष्ण को मानने वाले आपस में कृष्ण का कथन करते हैं तो वो हर तरह से कृष्ण में ही रमण करते हैं, कृष्ण में ही रहते हैं और फिर एक दिन उसी को प्राप्त भी होते हैं। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन मामुपयान्ति ते। दोस्तों, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जब आप पढ़ते हैं, किसी कैंप में अपनी विशेष ट्रेनिंग के लिए जाते हैं तो क्या होता है? दिन रात आप अपने ही जैसे एक विद्या को साधने वाले बहुत सारे लोग आपस में अपने चुने हुए विषय या खेल के बारे में बातें करते हैं, डिस्कस करते हैं, बातों को समझते हैं और एक दूसरे को ठीक भी करते हैं, सीखते हैं और सिखाते हैं। सत्संग और परमेश्वर की साधना भी तो वही है। योग और क्या है? जब निरंतर उसके ध्यान में लगे रहेंगे तभी तो तत्वज्ञान रूप योग की प्राप्ति होगी। जिस दिन योग प्राप्त हो गया दोस्तों, तो समझिए सब कुछ हो गया। तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् ज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। जिसने हमारे ऊपर कृपा करनी है वो तो असल में हमारे अंदर ही है, हमारे पास ही है, न काबे में न कैलाश में। हमारे अंदर रह के वो हमारे अंदर के अज्ञान को नष्ट करता है। लेकिन ये सब अपने आप तो हो ही नहीं सकता, कुछ तो चेष्टा हमको भी करनी होगी। सिर्फ सच्चे मन से उसके बारे में सोचना होगा, सच्चे मन से अपना कर्म, अपना कर्तव्य निभाना होगा, अपनी इच्छाओं और मोह को छोड़ना होगा। हमारे ऐसा करने के बाद सारा काम उसी का है। परमेश्वर ना तो हमारे कर्म और ना ही हमारे योग को कभी नष्ट नहीं होने देंगे। इसी तरह से वो हमें मुक्ति देंगे। अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवमजं विभुम आहुस्त्वाम ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। अर्जुन ने युद्ध छोड़ दिया था, युद्ध के बीचों बीच बैठ उसने लड़ने से मना कर दिया था, इसीलिए कृष्ण ने उसे ज्ञान देना शुरू किया था। ऐसा लगता है कि शायद अब उसे कृष्ण का ज्ञान और उनका स्वरूप समझ में आ रहा है। समय लगता है दोस्तों, लेकिन अगर आप अपने सारथी, अपने मार्गदर्शक, अपने गुरु की बातें ध्यान से सुने तो ज्ञान अवश्य ही प्राप्त होता है। अर्जुन कृष्ण को परम ब्रह्म
परम धाम और परम पवित्र बताते हुए कहते हैं, आपको सब ऋषिगण सनातन दिव्य पुरुष एवं देवों का भी आदि देव अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। वैसे ही देवर्षि नारद, असित, देवल ऋषि तथा महर्षि व्यास भी कहते हैं। सर्वमेतद्धृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव, नहि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवः। अर्जुन को अब जब कृष्ण का असली रूप समझ में आ रहा है तो वो उन्हीं बातों को दोहरा रहा है जो कृष्ण ने कही थी। अभ्यास का दोहराना लेसन सीखने की एक बहुत बड़ी क्रिया है ना? याद करिए वो दिन जब परीक्षा से पहले न जाने कितने ही बार दोहरा दोहरा के आप ये सुनिश्चित करते थे कि परीक्षा के दिन आपको सब कुछ भली भांति याद हो। अर्जुन कहते हैं, हे केशव, जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं इस सबको मैं सत्य मानता हूं। हे भगवान, आपके लीलामय स्वरूप को न तो दानव जानते हैं और न देवता ही। स्वयमेवात्मनात्मानं विद्धत्वं पुरुषोत्तमं भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते। अर्जुन कृष्ण को भूतों को उत्पन्न करने वाले कह रहे हैं। भूत अर्थात जो भी हमें दिखता है, ये सारी दुनिया, ये सब उसी की सृष्टि है, वही इन भूतों का ईश्वर है। अर्जुन आगे कहते हैं, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने से अपने को जानते हैं। दोस्तों, इस बात को दोबारा सुनिए, आप स्वयं ही अपने से अपने को जानते हैं। क्या मतलब हुआ इसका? कृष्ण हमारे अंदर होते हैं और हमारे अंदर रहते हुए ही वो हमारे अंदर वो भाव जगाते हैं जिससे हम कृष्ण के असली रूप को जान सकें। तो ये तो वही बात हुई कि अपने से अपने को जानना, है ना? वक्तुमरहस्य शेषेण दिव्याह्यात्म विभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमांस्त्वं व्याप्यतिष्ठसि। ज्ञान का मार्ग आसान नहीं है, जो जानना चाहता है वो कभी रुकता नहीं, उसे और जानना होता है। ऐसे ही अर्जुन के साथ भी हो रहा था। कृष्ण के स्वरूप का ज्ञान अभी अर्जुन के लिए बाकी था, उसका संशय खत्म होना शुरू हुआ था लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। इसीलिए वो कृष्ण से कहते हैं, आप ही अपनी उन दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने में समर्थ हैं जिन विभूतियों द्वारा आप इन सब लोगों को व्याप्त करके स्थित हैं। अर्जुन कृष्ण से उनकी विशेषता, उनकी खासियत जानना चाहता है और वो ये भी जानता है कि अपनी विशेषता के बारे में सिर्फ और सिर्फ कृष्ण ही कह सकते हैं और कोई नहीं। कथं विद्यामहं योगिन्स त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन् मया। अर्जुन अपने सवाल को बढ़ाते हुए पूछ रहा है कि वो किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ कृष्ण को जाने और किन किन भावों से कृष्ण उसके द्वारा चिंतन करने योग्य हैं, कैसे वो निरंतर कृष्ण का चिंतन करे और वो कौन से भाव हैं जिनसे वो कृष्ण के बारे में सोचे। अर्जुन की इस पिपासा जिज्ञासा से हमें ये सीखना चाहिए दोस्तों कि जब तक कि ज्ञान पूरा न मिल जाए हमें रुकना नहीं चाहिए,
इसी तरह की निष्ठा, इसी तरह की तन्मयता यानी कि लगन आपको अपने क्षेत्र में बेस्ट बनाती है या वर्ल्ड चैंपियन बनाती है। विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिं च जनार्दन भूयः कथयः तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। अर्जुन कृष्ण की योग शक्ति विभूति के बारे में विस्तार पूर्वक जानना चाहता है। कृष्ण के वचन सुन अर्जुन के विषाद से भरे मन को आराम मिल रहा था। वो उनकी बातें और सुनना चाहता था। उसको अभी भी शांति प्राप्त नहीं हुई थी, बल्कि उसकी जिज्ञासा और भी बढ़ गई थी। ये पहचान थी दुनिया के सबसे बड़े धनुर्धर की। वो रुकता नहीं था जब तक कि अपने अभ्यास में, अपने काम में सर्वश्रेष्ठ, दी बेस्ट न हो जाता। दोस्तों, आप अपने जीवन में कब संतुष्ट होते हैं, एवरेज होके या दी बेस्ट होके? श्री भगवानुवाच, हन्तते कथयिष्यामि दिव्याह्यात्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे। अर्जुन कृष्ण का विस्तार, उनकी सीमा जानना चाहता है। कृष्ण सादगी से कहते हैं, तू मेरी विभूति, मेरी विशेषता के बारे में सुन, क्योंकि मेरे विस्तार का तो कोई अंत ही नहीं। दोस्तों, कृष्ण की क्या सीमा है? वो कहां तक जाते हैं? वो हम लोगों के लिए या अर्जुन के लिए ये जानना संभव है क्या? ना, ये संभव नहीं है। दोस्तों, जो अनादि और अनंत है, यानी कि जिसका कोई आरंभ ही नहीं, जिसका कोई अंत नहीं, विदाउट बिगिनिंग और एन एंड, उसके विस्तार को आप कैसे समझोगे? हां, लेकिन जरूरी है कृष्ण के स्वरूप को समझना, और वही बात स्वयं कृष्ण समझा रहे हैं। अहमात्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहमादिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबकी आत्मा हूं, तथा संपूर्ण भूतों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूं। हमारे अंदर जो आत्मा स्थित है, जिससे हमको मिलना है, जिसको हमें जानना है, वो कृष्ण ही है। हमारी शुरुआत, मध्य और आखिरी पड़ाव भी कृष्ण ही है। कई बार जब हम कुछ करते हैं तो अंदर से आवाज आती है कि ये सही है या ये गलत है। कौन होता है वो जो आपको ये बताता है? हमारी अंतरात्मा यानी कृष्ण। जो अपने अंदर की इस आवाज को निरंतर सुनने लगते हैं, उनकी गट फीलिंग कभी गलत नहीं होती। दोस्तों, आदित्यानामहं विष्णुर् ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि। अदिति ऋषि कश्यप की पत्नी थी। उनके 12 पुत्र थे, जिन्हें देवता भी कहा जाता है। कृष्ण कहते हैं कि अदिति के 12 पुत्रों में वो विष्णु हैं। जितनी भी ज्योतियां हैं, उनमें कृष्ण किरणों वाले सूर्य हैं। कृष्ण 49 वायु देवताओं का तेज है, और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा भी कृष्ण है। यहां पर कृष्ण अपनी महिमा, अपने विराट स्वरूप को समझा रहे हैं। सिर्फ बातों की परिभाषा न समझिए दोस्तों, उनमें छुपा तत्व, उसके अंदर की गहरी बात को समझिए। जितनी भी ज्योतियां हैं, उनमें जो सूर्य है, वो कृष्ण है। क्या आप और किसी ज्योति को जानते हैं जो सूर्य से अधिक तेज हो?
वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना। कृष्ण अपने को वेदों में सामवेद बताते हैं। चारों वेदों में कृष्ण ने खुद को सामवेद बताया है। जितने भी देव हैं उनमें वो इंद्र हैं। हमारी जो पांच इंद्रियां हैं उनमें कृष्ण मन हैं। मन को जीत लेने पर इंद्रियों को वश में करना मुश्किल नहीं होता, इसीलिए कृष्ण हमेशा मन पर विजय पाने की बात करते हैं। और जितने भी प्राणियों की जो चेतना है यानी कि उनकी जीवन शक्ति, वो शक्ति जो उनमें संचार करती है, जिसकी वजह से हम सारे प्राणी जिंदा हैं, वो चेतना कृष्ण ही हैं। जब हमारे प्राण निकल जाते हैं, हमारी चेतना चली जाती है, तो समझिए कि हम में से कृष्ण निकल गए। रुद्राणां शंकरश्चास्मि वित्तेषु यक्षरक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामहम्। ऋग्वेद में रुद्र को बलवानों में सबसे अधिक बलवान कहा गया है। ऐसे एकादश रुद्र होते हैं। कृष्ण कहते हैं, मैं एकादश रुद्रों में शंकर हूं। रुद्र देवता को दुष्टों को दंड देने वाला, रोगों का निवारण करने वाला, महावीर और सभा का अध्यक्ष कहा गया है। ऐसे रुद्रों में कृष्ण शंकर हैं। और यक्ष तथा राक्षसों में कृष्ण ने अपने आप को धन का स्वामी कुबेर कहा है। आठ वसुओं में कृष्ण अग्नि हैं। और शिखर वाले पर्वतों में जो सुमेरु पर्वत हैं वो कृष्ण ही हैं। किसी भी वस्तु या प्राण की जो परिपक्वता है वो कृष्ण है। पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानि नामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः। पुरोहित यानी कि धार्मिक कृत्य करने वाला कृष्ण कहते हैं कि पुरोहितों में मुखिया बृहस्पति मुझको ही जान। अर्थात जितने भी धार्मिक काम करने वाले पुरोहित हैं उनमें जो मुखिया हैं यानी कि बृहस्पति, वो कृष्ण हैं। बृहस्पति को प्रार्थना या भक्ति का स्वामी भी कहा जाता है। मतलब कि जितने भी प्रार्थना करने वाले हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ बृहस्पति श्री कृष्ण ही हैं। उसके आगे कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, मैं सेनापतियों में स्कंद और जलाशयों में समुद्र हूं। जितने भी पूरे विश्व में जलाशय हैं उनमें समुद्र यानी कि ओशन कृष्ण हैं, क्योंकि समुद्र से बड़ा जलाशय संभव नहीं है दोस्तों। महर्षिणां भृगुरहं गिरामस्म्येकमक्षरं यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः। सात महर्षियों में से एक थे ऋषि भृगु, ज्योतिष के विद्वान, जिन्होंने भृगु संहिता की रचना भी की थी। कृष्ण कहते हैं कि महर्षियों में वो भृगु हैं। ऐसा कहा जाता है कि भृगु ब्रह्मा के मानस पुत्र थे, अर्थात माइंड बॉर्न, वो पुत्र जो ब्रह्मा के मानस से निकले थे। भृगु ऋषि के वंशजों को ही भार्गव भी कहा जाता है। इसके आगे कृष्ण कहते हैं कि शब्दों में एक अक्षर अर्थात ओंकार वो ही है। ओंकार वो ब्रह्मांड विस्फोट, बिग बैंग के समय निकला आदि शब्द है, वो ओंकार कृष्ण है। सब प्रकार के यज्ञों में कृष्ण जप यज्ञ है और स्थिर रहने वालों में हिमालय पहाड़ है। जो हमेशा तटस्थ रहता है वो हिमालय है।
और वही हिमालय कृष्ण है। अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवऋषीणां च नारदः गंधर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः। जितने भी वृक्ष हैं उनमें से कृष्ण ने अपने आप को अश्वत्थ कहा है। अश्वत्थ यानी कि पीपल। पीपल की संज्ञा को खुद से कृष्ण ने इसलिए जोड़ा क्योंकि इससे वो ये समझाना चाहते हैं कि ऊपर परमात्मा जिसका मूल है और नीचे प्रकृति जिसकी शाखाएं हैं, जिसकी जड़ें तो ऊपर हैं और जिसकी शाखाएं नीचे हैं, नीचे प्रकृति और ऊपर परमात्मा। इसीलिए सब वृक्षों में कृष्ण अपने को पीपल का वृक्ष कहते हैं। देवर्षियों में कृष्ण नारद मुनि और गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि कृष्ण ही हैं। उच्चैः श्रवसमश्वानां विद्धि माम मृतोद्धवम् एरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्। कृष्ण अपने को घोड़ों में अमृत के साथ उत्पन्न होने वाला उच्चैः श्रवा नामक घोड़ा बताते हैं। घोड़ा गति का प्रतीक है दोस्तों। आत्मा के तत्व को पकड़ने के लिए मन जब गति पकड़ता है तो वो घोड़ा है, और वो घोड़ा जो अमृत के साथ जन्मा वो श्रेष्ठ है। दुनिया में हर वस्तु नाशवान है लेकिन आत्मा अजर अमर है, यानी अमृत स्वरूप। दोस्तों, श्रेष्ठ हाथियों में कृष्ण एरावत नामक हाथी हैं, और मनुष्यों में जो राजा है वो कृष्ण है। हर एक अवस्था या वस्तु में जो सबसे श्रेष्ठ है वही कृष्ण है। आयुधानामहं वज्रम धेनूनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कंदर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः। दोस्तों, आपने बहुत बड़े बड़े वेपन्स देखे होंगे युद्धों में या फिल्म्स में। पुराने समय में एक शस्त्र होता था वज्र, जिससे बड़ा कोई शस्त्र नहीं होता था। ये वज्र दधीचि ऋषि की अस्थियों से बना था, इसलिए ये श्रेष्ठ था। सब शस्त्रों में कृष्ण ही वज्र हैं। गौओं में अपने आप को कृष्ण बता रहे हैं काम धेनु। पुरुष और नारी अगर साथ नहीं आएंगे तो ये दुनिया खत्म हो जाएगी, और जब शास्त्र द्वारा बताई गई रीति से संतान की उत्पत्ति करते हैं तो उस संतान को उत्तम बताया जाता है। शास्त्रोक्त रीति से संतान की उत्पत्ति का जो हेतु है वो कामदेव, वो भी कृष्ण है। सर्पों में सर्पराज, जी हां, वासुकी, वो भी कृष्ण ही है। अनंतश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितृणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहं। कृष्ण कहते हैं, नागों में मैं शेष नाग हूं। शेष नाग वो नाग है जिसके हजार फन होते हैं, इसीलिए इन्हें अनंत शेष नाग कहा जाता है। विष्णु भगवान इसी पर विराजमान होकर के सोते हैं। पौराणिक कथाओं में ऐसा कहा गया है कि हमारी धरती को शेष नाग ने ही धारण किया हुआ है। जलचरों में कृष्ण अधिपति वरुण देवता है, और पितरों में अर्यमा नामक पितर है, तथा शासन करने वालों में यमराज मैं ही हूं, ऐसा कृष्ण कहते हैं। जीवन के हर क्षेत्र से कोई ना कोई एक उदाहरण चुन लीजिए, उसकी विशेषता और श्रेष्ठता में आपको कृष्ण ही नजर आएंगे। यही बात हमें कृष्ण समझा रहे हैं कि वे क्या हैं।
प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणां। दैत्यों में कृष्ण प्रह्लाद हैं, वही प्रह्लाद जो हिरण्यकश्यप का पुत्र था, लाखों कोशिशों के बावजूद जिसे हिरण्यकश्यप मार नहीं पाया था। कृष्ण आगे कहते हैं कि गणना करने वालों का समय वो ही है, क्षण, घड़ी, दिन, पक्ष, मास आदि में जो समय है वो कृष्ण ही है। दोस्तों जरा सोचिए, जब समय बीतता है तो क्या होता है? समय को अगर आपको डिफाइन करना हो तो क्या कर पाएंगे आप? क्या चीज है समय? हर पल हर समय जो बीत रहा है लेकिन उसे समझाना या समझना बहुत ही मुश्किल है, और वही समय कृष्ण है। पशुओं में कृष्ण सिंह है और पक्षियों में वो गरुड़ है। पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहं झषाणां मकरश्चास्मि श्रोतसामस्मि जाह्नवी। यज्ञ से सारा माहौल, सारा वातावरण शुद्ध हो जाता है। ऐसी पवित्र करने वाली वायु कृष्ण हैं। वायु के बिना जीवित रहना असंभव है। बुरे से बुरे प्रदूषण से जब वातावरण बिगड़ जाता है तब शुद्ध वायु ही उसको पवित्र करके सांस लेने लायक बनती है, और ये वायु कृष्ण है। जो शस्त्र उठाते हैं, युद्ध करते हैं, उनमें कृष्ण श्री राम हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम दशरथ पुत्र राम, रावण का वध कर धर्म की स्थापना करने वाले राम। मछलियों में कृष्ण मगरमच्छ हैं, और नदियों में कृष्ण श्री भागीरथी की गंगा जी हैं। भागीरथ ऋषि के तप से जो गंगा धरती पर आई थी और जिसे शिव ने अपनी जटाओं में समाहित किया था, वही पवित्र गंगा कृष्ण है। सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यम चैवाहमर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहं। हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि और अंत तथा मध्य भी मैं ही हूं। सृष्टि जहां से शुरू हुई, अभी जो चल रही है, यानी कि मध्य, और एक दिन जब प्रलय आएगा और सब उसी ब्रह्म में विलीन हो जाएगा, यानी कि अंत, ये तीनों अवस्थाएं कृष्ण हैं। कृष्ण आगे कहते हैं कि मैं विद्याओं में आध्यात्म विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या और परस्पर विवाद करने वालों का तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला वाद भी मैं ही हूं। हर विषय की अलग विद्या होती है। आध्यात्म विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या, यानी कि वो विद्या जो हमारी आत्मा का द्वार आध्यात्म की तरफ खोले, जिससे हमें ब्रह्म की प्राप्ति हो, वो कृष्ण है। अक्षराणाम अकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतो मुखः। हर एक भाषा के वर्णाक्षर यानी कि अल्फाबेट्स होते हैं दोस्तों, और कृष्ण कहते हैं कि अक्षरों में मैं अकार हूं। अकार का अर्थ है अक्षर, यानी कि हमारी वर्णमाला जहां से शुरू होती है वो अ। कहीं ये ही वो पहला अक्षर तो नहीं जो कोई शिशु सबसे पहले अपने मुंह से निकालता है? कृष्ण कहते हैं कि समासों में मैं द्वंद्व नामक समास हूं। द्वंद्व समास यानी कि वो समास जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल तथा सब ओर मुख वाला विराट स्वरूप,
सबका धारण पोषण करने वाला भी मैं ही हूं। मृत्युः सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिः शेर्वाक्च नारीणाम् स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा। कृष्ण अपने बारे में ही विभूतियां बताते हुए कह रहे हैं कि मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु और उत्पन्न होने वालों का उत्पत्ति हेतु हूं। जब कोई पैदा होता है तो उसका कारण वजह कृष्ण है। जिस भी किसी का जन्म हो रहा है उसकी वजह कृष्ण को ही माने। और फिर जब देह का समय पूरा हो जाता है, जब समय हो जाता है आत्मा के शरीर को बदलने का, तो मृत्यु भी कृष्ण ही है। स्त्रियों में कीर्ति यानी कि ग्लोरी दोस्तों, श्री यानी कि सम्मान, वाक यानी कि बोलना, स्मृति मेधा यानी कि इंटेलेक्ट, धृति यानी कि बराबरी और क्षमा, मैं ही हूं। बृहत् साम तथा साम्नां गायत्री छंद सामहं मासानां मार्गशीर्षोहं उतूनां कुसुमाकरः। श्रुति यानी कि सुना हुआ, ईश्वर की वो वाणी जो सुनी जाती है। कृष्ण अपना परिचय देते हुए अर्जुन से कह रहे हैं, गायन करने योग्य श्रुतियों में मैं बृहत् साम हूं। बृहत् साम का मतलब होता है ऐसा गायन जो स्वर्ग लोक श्रेष्ठत्व मन और तेज को स्वर आलाप से व्यंजित करता हो, यानी कि वो सबसे बड़ा गायन जो ऋचाओं में स्वर प्रधान है। छंदों में गायत्री छंद हूं यानी कि गायत्री महामंत्र, तथा महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में वसंत भी मैं ही हूं। द्यूतम चलयतामस्मि तेजस तेजस्विनामहं जयोस्मि व्यवसायोस्मि सत्वं सत्ववतामहं। छल कई तरीके के होते हैं। पैसों का छल होता है, रिश्तों में छल होता है, राजनीतिक छल होता है। जैसे दोस्तों क्रिकेट में मैच फिक्सिंग जैसे छल भी तो होते हैं ना। जितने भी छल हैं इनमें सबसे भयंकर छल कौन सा होता है वो जानते हैं? जो पल में कुछ भी करने की क्षमता रखता हो वो है जुआ। इसीलिए कृष्ण कहते हैं कि मैं छल करने वालों में जुआ हूं। प्रभावशाली पुरुषों का जो प्रभाव है, उनका जो ओज है, वो भी कृष्ण ही है। जो जीत जाते हैं उनकी विजय कृष्ण है। निश्चय करने वालों का निश्चय और सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव भी कृष्ण ही है। वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पांडवानां धनंजयः मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशना कविः। यादवों के अंतर्गत एक वृष्णी वंश भी था। उसी के संदर्भ में कृष्ण कहते हैं कि वृष्णी वंशियों में मैं वासुदेव हूं, अर्थात जो इस समय स्वयं अर्जुन के सामने खड़े थे वो कृष्ण। कृष्ण आगे कहते हैं कि पांडवों में वो धनंजय है, अर्थात अर्जुन। पांडवों में हर किसी के पास गुणों की कमी नहीं थी, लेकिन उनमें सर्वश्रेष्ठ अर्जुन ही थे। तो स्वाभाविक ही है कि उन सब में से अगर कोई कृष्ण हो सकता था तो अर्जुन। मुनियों में वो वेद व्यास है, महाभारत के महान रचयिता। और कवियों में शुक्राचार्य कवि भी कृष्ण ही हैं। दंडो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम्
मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहं। मैं दमन करने वालों का दंड अर्थात दमन करने की शक्ति हूं। दबाने का काम सिर्फ शक्ति का काम होता है, उसमें और कुछ काम नहीं आता। इसीलिए जिन्होंने दमन करना है, दबाना है, उनके दबाने की शक्ति कृष्ण है। जीतने की इच्छा वालों की नीति हूं। जीतने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, श्रम, इच्छा शक्ति, अभ्यास और जाने क्या क्या, लेकिन बिना नीति के जीत संभव नहीं है। दोस्तों, गुप्त रखने योग्य भावों का जो रक्षक होता है वो होता है मौन, और वह मौन मैं हूं। अगर मौन नहीं टूटेगा तो कभी गुप्त भाव भी प्रकट नहीं होगा, और ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान भी मैं ही हूं। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यतस्यान् मया भूतं चराचरम्। हे अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है वो भी मैं ही हूं, क्योंकि ऐसा चर और अचर कोई भी भूत नहीं जो मुझसे रहित हो। जिसमें प्राण हैं या जो निर्जीव हैं, वो इस दुनिया में मेरे ही संकल्प से हैं। उसकी उत्पत्ति मुझसे ही हुई है और एक दिन उसने मुझ में ही विलीन हो जाना है। दोस्तों, जिनमें प्राण है उनकी आत्मा उसी परमात्मा कृष्ण का अंश है। कृष्ण उनमें हमेशा से विद्यमान है। अविद्या को हटाकर ज्ञान हासिल कर हम कृष्ण को अपने अंदर पा सकते हैं, और जो निर्जीव हैं वो प्रलय तक धरती पर मौजूद हैं और उसके बाद वापस से कृष्ण में ही मिल जाएंगे। नान्तोस्ति मम देव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तुद्देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया। कृष्ण अर्जुन को अपनी महिमा, अपना स्वरूप बता रहे थे। इसके बाद वो अर्जुन से कहते हैं कि हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने अपनी विभूतियों का यह विस्तार तो तेरे लिए एक देश से अर्थात संक्षेप से कहा है। कृष्ण ने अपनी कई विभूतियों के बारे में अर्जुन से कहा। जीवन से जुड़े हर क्षेत्र से उन्होंने उदाहरण दिए। इतना कुछ कहने के बाद भी उनकी विभूतियों का अंत नहीं हुआ। हो भी नहीं सकता दोस्तों। कृष्ण का कहना है कि उनका कोई विस्तार नहीं, वो तो बिना सीमा के हैं। यद्यद्विभूतिमत्सत्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोश संभवम्। इस श्लोक में कृष्ण अपनी सारी विभूतियों को एक सूत्र में बांधते हुए, जनरलाइज करते हुए कहते हैं दोस्तों कि जो जो भी विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है, उसको तू मेरे तेज के अंश की ही अभिव्यक्ति जान। आप अपने चारों तरफ जो भी देखें, चाहे दमन देखें या प्रभावशाली व्यक्ति देखें, छल देखें या गायन सुने, हर किसी चीज, क्रिया, प्राणी में जो भी तेज, ऐश्वर्य और कांति से भरे हुए हों, तो ये जान लीजिएगा कि वो कृष्ण का ही अंश है। इससे सीखना है दोस्तों कि जो भी आप करें उसमें अगर सबसे उत्तम आपको होना है तो उसमें कृष्ण को ढूंढिए। अथवा बहु नैतेन किं ज्ञाते न तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृष्णं एकांशेन स्थितो जगत। अपने इस श्लोक में कृष्ण
अपनी विभूतियों को समेटते हुए अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, ये सब बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है? मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूं। कृष्ण ने अर्जुन को अपनी एक एक बात बताई दोस्तों, अपने हर रूप के बारे में ज्ञान दिया, लेकिन अब वो ऐसा कह रहे हैं कि इन सब बातों से अर्जुन का क्या मतलब? अर्जुन को और हमको सिर्फ एक ही बात से प्रयोजन होना चाहिए, अपने युद्ध, अपने कर्म और अपने कर्तव्य से। दोस्तों, ये था गीता का 10वां अध्याय। यहां पर हम परिचित हुए कृष्ण की विभूतियों से, कैसे हर अंश में, हर काम में, हर वस्तु में कृष्ण मौजूद हैं। बस देखने की, पहचानने की देर है कृष्ण को। आपको वे हर कहीं मिलेंगे, हर जगह मिलेंगे, हर एक में मिलेंगे। खैर, अब हम मिलेंगे 11वें अध्याय में। तब तक के लिए अपने दोस्त शैलेंद्र भारती को आज्ञा दीजिए, जय श्री कृष्ण।